एक बार पुनः आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं और डिटरमिनेंट में आप 4.1, 4.2 और 4.3 समाप्त कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम दिए थे आपको 4.3 अर्थात एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो कल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे माइनर एवं कोफैक्टर, किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर जब भी होता है तो किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का होता है या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का हम लोग देखेंगे माइनर और कोफैक्टर। तो हेडिंग लिखे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक तथा सहखंड, बहुत आसान है उपसारणिक और सहखंड, समझ लीजिए इसको हम बताते हैं उपसारणिक। और उसको इंग्लिश होता है उपसारणिक का माइनर और कोफैक्टर का होता है हिंदी सहखंड। तो पहले हम लोग माइनर देखेंगे। किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर ज्ञात करते हैं उसके सामने का रो और कॉलम को हटाने से जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है वही उसका क्या होता है माइनर होता है। वही हम लिखे हैं, माना कि ए इज इक्वल टू ए आई जे क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट का माइनर होता है तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, इसलिए लिखे हैं ए इक्वल टू ए आई जे क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए के अवयव ए आई जे का उपसारणिक, उपसारणिक का इंग्लिश माइनर, उस डिटरमिनेंट का मान होता है, उस डिटरमिनेंट का मान होता है जो ए के आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का अगर माइनर ज्ञात करना है तो उस एलिमेंट के सामने का रो और कॉलम को हटा देंगे, जो रेस्ट बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा माइनर कहलाएगा। वही लिखे हैं हटाने से प्राप्त होता है। अभी एक एग्जांपल देंगे क्लियर हो जाएगा, जो कैसे हम लोग हटाएंगे एलिमिनेट करेंगे उसके सामने का रो और कॉलम को। तो यहाँ लिखे हैं अभी अब ए आई जे के माइनर को एम आई जे माइनर, एम फोर माइनर, ए आई जे है तो वो हो गया एम आई जे। जैसे यहाँ रहेगा ए वन वन तो वहाँ होगा एम वन वन, जैसे होगा यहाँ ए वन टू तो वहाँ होगा एम वन टू से सूचित किया जाता है। अब जब ए आई जे के माइनर को कैपिटल एम आई जे से डिनोट किया जाता है, अगर यहाँ देंगे हम ए टू वन तो वहाँ होगा एम टू वन। ए टू वन का मतलब हो गया दूसरा रो और पहला कॉलम का कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो वहाँ हो जाएगा एम टू वन। एक एग्जांपल लिखे हैं, यदि ए इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, तो अभी अब ए वन वन, ए टू वन का माइनर ज्ञात कर, इसमें चारों एलिमेंट का हम माइनर ज्ञात कर सकते हैं, इसमें हम चारों एलिमेंट का माइनर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखे हैं ए वन वन और ए टू वन। तो जैसे ए वन वन का अगर माइनर निकालना हो, अभी हम बोले हैं किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है उसके सामने का रो और कॉलम को हटाने से प्राप्त होता है। जैसे ए वन वन का माइनर निकालना है तो इसके सामने का रो और कॉलम को हटा देंगे अर्थात ए टू टू इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये ए टू वन का माइनर निकालना है, ये ए टू वन, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा, ए वन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए वन टू। तो किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का अगर माइनर ज्ञात करना हो तो उस एलिमेंट के सामने का रो और कॉलम को हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। तो अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल दिए हैं इसका जो लिखे हैं ए वन वन और ए टू वन, उसका माइनर ज्ञात करते हैं वो देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ये टू बाय टू का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहा है अभी अब ए वन वन और ए टू वन का माइनर ज्ञात करें। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन होगा ए वन वन का माइनर, एलिमेंट है ये, अवयव है, हम लिखते हैं अवयव ए वन वन का माइनस उपसारणिक, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग एम वन वन, क्या लिखेंगे एम वन वन। तो ए वन वन का जो माइनर होगा वो जहाँ है उसके सामने का रो और कॉलम को हटा दीजिए, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, तो क्या बचा ए टू टू, यही हो जाएगा आपका आंसर माइनर। जैसे फिर निकालना है ए टू वन का अवयव ए टू वन का माइनर, यहाँ होगा एम टू वन, क्या होगा एम टू वन, तो ये एम टू वन का मतलब हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये टू, दूसरा रो पहला कॉलम, इसको एलिमिनेट कर देंगे हटा देंगे, जो बचेगा वो होगा ए वन टू बच रहा है, ये हो गया ए वन टू।
इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी डिटरमिनेंट क्यों ना दिया हुआ हो और उसका कहेगा एलिमेंट का माइनर ज्ञात करने के लिए, तो वो जहाँ है उसके सामने का रो और कॉलम को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, उसका माइनर हो जाएगा। ये तो हम 2x2 ऑर्डर का लिए, अगर हम 3x3 ऑर्डर का लेंगे तब भी उसका बनेगा, 3x3 ऑर्डर का लेंगे तब भी बनेगा। इसी में एक टॉपिक आता है, ये तो माइनर हो गया, एक कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर में क्या करते हैं, उसका हिंदी होता है सहखंड। तो अवयव AIG के कोफैक्टर को कैपिटल AIG से सूचित किया जाता है। इसको हम लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, अवयव AIG के कोफैक्टर को कोफैक्टर सहखंड होता है को कैपिटल AIG से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जिस तरह से आप माइनर ज्ञात करने के लिए सीखे, उसी तरह से कोफैक्टर भी आपको ज्ञात करना है। तो कोफैक्टर कैसे ज्ञात कीजिएगा वो देखिए। कोफैक्टर ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, अगर माइनर ज्ञात हो जाता है तो उसी में प्लस माइनस साइन लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाता है। अब यहाँ समस्या है, प्लस माइनस साइन लगाएंगे कैसे, एलिमेंट का स्थान देखना है। अगर एलिमेंट का स्थान सम आएगा तो प्लस लगाएंगे, एलिमेंट का स्थान अगर विषम आएगा तो क्या लगाएंगे, माइनस। इसका एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर याद करने के लिए, याद रखिएगा, दैट इज AIG इज इक्वल टू -1 पर पावर i प्लस j और क्या होगा MIG। ये कोफैक्टर याद करने का फॉर्मूला हो गया, मतलब ये अवयव AIG का कोफैक्टर हो गया कैपिटल AIG और उसका माइनर हो गया कैपिटल MIG, उसमें प्लस या माइनस साइन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो ये अगर सम आएगा, जैसे i का मान देते हैं 1 और j का मान देते हैं 1, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो ये 1 1 2 अर्थात ये प्लस हो जाएगा। जैसे पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस। पहला रो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, प्लस। तीसरा रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह से स्थान देखना है, वो अगर सम होता है तो प्लस देना है, विषम होगा तो क्या होगा, माइनस देना है। तो ये कोफैक्टर याद करने के लिए फॉर्मूला हो गया, कैपिटल AIG इज इक्वल टू -1 पर पावर i प्लस j MIG। इसका शॉर्ट तरीका भी है याद करने का, माइनर को याद कर लीजिए और अगर कोफैक्टर मालूम करना है तो उसी में प्लस माइनस लगा देंगे, देखेंगे जो उसका स्थान प्लस है तो सम है तो प्लस लगाएंगे, विषम है तो माइनस लगाएंगे। अब एक एग्जांपल देंगे जिस पर हम माइनर और कोफैक्टर दोनों ज्ञात करेंगे, तो ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, क्या लिखे हैं, n ग्रेटर और इक्वल टू 2 क्रम के सारणिक के अवयव का माइनर n माइनस 1 क्रम का डिटरमिनेंट होता है। इसका मतलब समझिए, माइनर जब भी निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट जब भी होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होता है तो 2x2 ऑर्डर का, 1x1 ऑर्डर का होता है, लेकिन उसका डिटरमिनेंट नहीं होगा, तो डिटरमिनेंट होगा तो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स से, इसलिए लिखे हैं n ग्रेटर और इक्वल टू 2, अर्थात n का मान 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा। तो जितना ऑर्डर का होगा उसका जो माइनर ज्ञात कीजिएगा वो उससे एक कम ऑर्डर का होगा। जैसे 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है तो उसका जो माइनर ज्ञात कीजिएगा वो 2 ऑर्डर का होगा। अगर 2x2 है तो उसका माइनर होगा 1 ऑर्डर का, मतलब जितना ऑर्डर रहेगा उससे एक कम होता है, इसलिए लिखे हैं एन ग्रेटर और इक्वल टू 2, एन का मान 2 या 2 से बड़ा जितना भी रहेगा उसमें एक कम हो जाएगा। जैसे ये 3 ऑर्डर का है ना, तो इसमें जो माइनर हम ज्ञात करेंगे वो 2 ऑर्डर का होगा। अगर ये 4 ऑर्डर का रहेगा तो माइनर कितना ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का, मतलब एक कम। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर दे देगा एन का मान यहाँ 5 तो यहाँ हो जाएगा 4, एक कम, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो अभी अब 6 का माइनर और कोफैक्टर, इसमें 9 एलिमेंट है, 9 का हम माइनर और कोफैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है केवल 6 का, तो 6 का हमको माइनर देखना है और कोफैक्टर देखना है। तो माइनर जो होता है, जहां एलिमेंट है उसके सामने का रो और कॉलम को समाप्त कर देंगे। जैसे देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन, अवयव 6 का, अवयव 6 का माइनर
बोले हैं अभी अब जहाँ है उसके सामने का रो और कॉलम को समाप्त कर, सिक्स यहाँ है इसके सामने का ये रो और ये कॉलम को समाप्त कर दीजिए, क्या बच रहा है ये चार एलिमेंट, 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब डिटरमिनेंट तोड़ने का नियम बता दिए, ये सिक्स जहाँ है उसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त कीजिए 1 2 7 8। अब इसको सॉल्व करेंगे वही हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 8 - 7 2 = 14, ये होगा -6 आंसर हो गया। क्या बोले थे, जितना ऑर्डर का रहेगा उससे एक कम ऑर्डर का होता है माइनर, ये तीन ऑर्डर का है तो माइनर हो गया 2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का लीजिएगा तो माइनर होगा 1 ऑर्डर का, ये लीजिएगा 4 ऑर्डर का तो माइनर होगा 3 ऑर्डर का, ये लीजिएगा n ऑर्डर का तो ये होगा n-1 ऑर्डर का। अब इसका कोफैक्टर देखना है, एंड अवयव 6 का, अवयव 6 का कोफैक्टर, कोफैक्टर कोफैक्टर में बोले थे माइनस प्लस लगाना है, क्या लगाना है माइनस प्लस। तो ये देखिए दूसरा रो 6 कहाँ है, पहले अवयव देखना है वो अवयव किस स्थान पर है, तो ये 6 है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो फाइनल है ये माइनस लग जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो याद करिए बताए हैं -1 पर पावर 2 + 3, ये 2 + 3 क्या है, 2 है रो की संख्या और 3 क्या है कॉलम, तो ये 6 कहाँ है वो देखिए, 6 है दूसरा रो में तो i का वैल्यू हो गया 2, तीसरा कॉलम में तो j का वैल्यू हो गया 3, और वहाँ हो जाएगा m23, क्या हो जाएगा m23, ये -1 पर पावर हो जाएगा 3 × 5, और m23 का मतलब हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम का माइनर, तो वही 6 का माइनर, तो 6 का माइनर क्या है -6 का माइनर क्या है देखो -6 है, इसका वैल्यू हम दे सकते हैं ये कितना के इक्वल हो जाएगा, -6 जो है यही m23 है, यहाँ आप दे दीजिए -6, इसका माइनस होगा इसका वैल्यू, तो -1 और ये -6, तो -6 क्या हो गया +6 आंसर। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम में है तो माइनस लगा दीजिए आप कोफैक्टर में, माइनस लगाए और उसका मान माइनस में है तो -6 क्या हो जाएगा +6 आंसर। तो माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल आसान है, पहले माइनर ज्ञात करेंगे उसमें प्लस माइनस साइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा कोफैक्टर, तो प्लस माइनस साइन कैसे लगाएंगे, स्थान देखना है एलिमेंट का कहाँ है, अगर सम स्थान पर है इवन प्लेस पर है तो प्लस होगा, ऑड प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये है 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर। अगर कहेगा इसमें 7 का आपको माइनर ज्ञात करना है, 7 का इसके सामने का ये रो और ये कॉलम को समाप्त करेंगे ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसको सॉल्व करके लिख देंगे वही हो जाएगा। फिर उसका कोफैक्टर कहेगा तो वो देखना है किस स्थान पर है, तो ये तीसरा रो और पहला कॉलम तो प्लस लग जाएगा उसमें, इस तरह से माइनर और कोफैक्टर हम लोग ज्ञात करेंगे। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसको समझाए हैं इस पर दो पॉइंट हम जो होगा ऑब्जेक्टिव में वो लिखा देंगे। पहले समझिए ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसमें हम चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए, यहाँ देखिए पहले ये डिटरमिनेंट दिया हुआ था, जो डिटरमिनेंट इसका तोड़ दिए a11 a22 और -a21 a12। अब क्या है इसके चारों एलिमेंट का कोफैक्टर, a11 का कोफैक्टर कैपिटल a11 होता है, तो लिखे हैं कैपिटल a11 क्या है एलिमेंट a11 का कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर माइनर में ही प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो कोफैक्टर है तो a11 है तो क्या होगा इसका मान प्लस होगा, और वो जहां है उसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त कीजिए जो बचेगा उसको लिखिए a22। जैसे a12 है इसका मतलब हुआ अवयव a12 का कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैपिटल a से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट a12 का कोफैक्टर, तो यहाँ इसका स्थान है 2 1 3, माइनस लग जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम माइनस, अब ये जहाँ है उसके सामने का रो कॉलम को खत्म कर दीजिए a12, ये रो है ये कॉलम है a21 -a21। फिर a21 है इसका मतलब हो गया कोफैक्टर किसका a21 का, स्मॉल a21 दूसरा रो पहला कॉलम के स्थान पर जो भी एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर, तो माइनस लगेगा और a21 ये दूसरा रो पहला कॉलम ये समाप्त तो क्या होगा a12। फिर है a22 का मतलब हो गया अवयव a22 का कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैपिटल से लेटर से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट को स्मॉल से, a22 का कोफैक्टर इसका मान 2 2 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो प्लस होगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त कीजिएगा तो a11 होगा। अब क्या किए हैं यहाँ दो पॉइंट बना है,
जैसे कि ये फर्स्ट रो है, इस ये अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हैं तो उसी रो के एलिमेंट का कोफैक्टर को जब गुणा करके जोड़िएगा तो उसका मान डिटरमिनेंट होता है। फिर से सुनिए, किसी भी डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम जो भी लीजिएगा, किसी एक रो या कॉलम एवं उसके संगत कोफैक्टर को गुणा करके जब जोड़ा जाता है तो वो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिए हैं R1, लिए हैं R1 का एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर। जैसे A11 है तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A12 है तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12। देख लीजिए इसका मान डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। कैसे, A11 दिए, कैपिटल A11 का मान यहाँ से A22 प्लस A12, और ये जो मान है कैपिटल A12 का मान है माइनस A21, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये देखिए डिटरमिनेंट के इक्वल है कि नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है इसलिए ये डिटरमिनेंट के इक्वल हो गया। तो याद रखिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एक पंक्ति या स्तंभ एवं उसके संगत कोफैक्टर के गुणनफल का योगफल डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। जैसे ही डिफरेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब हो गया, अगर एक का हम एलिमेंट लेते हैं, एक रो का एलिमेंट लेते हैं तो दूसरा का क्या लेना है, कोफैक्टर लेना है। जैसे ये देखिए, इसका एलिमेंट लिए हैं R1 का और R2 का क्या लिए हैं, कोफैक्टर, तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। देख लीजिए, A11 है इसका कोफैक्टर कैपिटल A21, A12 है इसका कोफैक्टर है कैपिटल A21। मतलब R1 से एलिमेंट उठा रहे हैं और R2 से कोफैक्टर ले रहे हैं, उसका जो एडिशन होगा, प्रोडक्ट का एडिशन, वो जीरो हो जाएगा। देखिए A11 A21 का मान है -A12, A12 और A22 का मान है A11। तो देखो गुणा कीजिएगा तो ये होगा माइनस और ये प्लस, दोनों सेम है, ये कट के क्या हो गया, जीरो। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो आसान सा तरीका है इसको चूज करने का, तो कैसे डिटरमिनेंट के बराबर होगा, कैसे जीरो हो जाएगा। इस रूप में अगर दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ ए 11 है तो यहाँ भी 11 है, यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या है, 12 है, मतलब सेम है इसका मान डिटरमिनेंट। जैसे ही डिफरेंट, यहाँ 11 है, यहाँ क्या है, 21 है, 12 है, 22 है, डिफरेंट होगा तो उसका वैल्यू जीरो डाल देना है। अब इसको हम लैंग्वेज में लिखा देते हैं दोनों पॉइंट को। देखिए अभी जो उसमें सिद्ध किए हैं वो सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट होता है, और जब डिफरेंट होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा दिए हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंड, मतलब कोई रो या कोई कॉलम का एलिमेंट लेना है तो उसी का कोफैक्टर लेना है, कि गुणनफल का योग डिटरमिनेंट के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, जो एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर लेंगे, R1 का एलिमेंट तो R1 ही का कोफैक्टर, R2 का एलिमेंट तो R2 का ही कोफैक्टर, C1 का एलिमेंट तो C1 का ही कोफैक्टर, मतलब जिसका एलिमेंट होगा उसी का कोफैक्टर होगा। तो उसको जब गुना करके जोड़ते हैं तो डिटरमिनेंट के मान के क्या होता है, बराबर। तो लिख दिए हैं, अर्थात करके ये 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में होगा, A11 एलिमेंट उसका कोफैक्टर कैपिटल A कोफैक्टर होता है, A12 एलिमेंट कैपिटल A12 कोफैक्टर, इसका गुना करके जब जोड़िएगा तो वो डिटरमिनेंट के मान के बराबर होगा। यह है थ्री ऑर्डर के लिए है। तो पहला R1 का एलिमेंट लिए हैं और उसी का कोफैक्टर लिए हैं, A11 तो उसका कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 तो उसका कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 उसका कोफैक्टर कैपिटल A13, और उसको गुना करके जब जोड़िएगा तो डिटरमिनेंट के मान के क्या होगा, बराबर। इसको याद रखने का तरीका, जब सेम होगा एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर तो डिटरमिनेंट के क्या होगा, इक्वल। देखिए 11 11 12 12 13 13, और ये जैसे ही डिफरेंट होगा तो उसका वैल्यू जीरो दे देना है। जैसे दूसरा पॉइंट, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुना कर, उसमें अन्य लगा हुआ है, उसमें क्या था, जिसका लेंगे उसी का कोफैक्टर, इसमें एक का रो लेना है तो दूसरा का कोफैक्टर लेना, गुना करके जोड़ा जाता है तो उनका योग क्या होता है, शून्य। जैसे इसमें देखिए डिफरेंट है, सेम नहीं है, यहाँ 11 है तो यहाँ क्या है, 21 है। A11 का मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये हो गया A21 दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर, इसमें R1 का एलिमेंट है, R2 का कोफैक्टर है, तो डिफरेंट हुआ, इसको गुना करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें भी देखिए R1 थर्ड ऑर्डर के लिए R1 का एलिमेंट है
और आर टू का कोफैक्टर है, इसलिए डिफरेंट है। यहाँ वन वन है, यहाँ टू वन है, वन टू है, टू टू है, वन थ्री है, टू थ्री है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब सेम होगा तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर, जब डिफरेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आज हम आपको सिखाएं माइनर और कोफैक्टर, इसको आप ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि कोफैक्टर को जब ठीक से समझिएगा तो अब अगला चैप्टर जो है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आवयवों का इनवर्स ज्ञात करना है तो उसमें कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। तो माइनर सीखे, कोफैक्टर सीखे, माइनर निकालेंगे उसमें प्लस माइनस साइन लगा देंगे, कोफैक्टर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पढ़ाई पसंद है आ जाए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी करें जो कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।